त्रिपुरा से, जिनके चैनल का नाम है कबड्डी लवर 0420। दोस्तों मुकाबला स्टार्ट हो चुका है अभिषेक मेहरा और सनी जाड़ल के बीच में। यह मुकाबला बहुत ही शानदार रहेगा। यह मुकाबला स्टार्ट हो चुका भैया। पहला इनाम है 61,000 रुपए और एक ट्रॉफी और 41,000 रुपए सेकंड के लिए। भाई बहुत ही जबरदस्त तगड़ा मुकाबला आपके साथ होने वाला है और ये सनी भाई ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पहली रेड स्टार्ट होती हुई भाई सनी जाडल अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा किया है उन्होंने। अब तक फाइनल में आ चुकी है ये टीम, फाइनल हो चुका है भैया। सनी जाडल वैस अमित मैना के बीच में पहला पॉइंट हासिल कर लिया दोस्तों। और आज गए हैं भैया सुपरस्टार, आज लगभग 4-5 टूर्नामेंट से रौला मचाने वाले ब्रजेश पराना। बहुत ही शानदार मुकाबला भाई। जर्सी का नंबर है 61 और आज उन्होंने अपने खेल से सभी को मोहित कर लिया है। बहुत ही जबरदस्त फाइनल मुकाबला भाई सनी जाडल के बीच में। रनहिना का टूर्नामेंट है भाई, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला। खाली अंक भाई, डिफेंस बहुत ही लाजवाब रहा है सनी जाडल। एक बार फिर अपनी टीम के लिए बता दू, एक पॉइंट हो चुका है सनी जाडल का। अभिषेक मेहना को भी खाता खोलना बाकी है भाई। यह मुकाबला बहुत ही शानदार और रोचक रहेगा भाई। एक और अंक प्राप्त कर लिया दोस्तों, दो अंकों पर पहुंची है सनी जाडल की गाड़ी। आज के हमारे भैया ब्रजेश फराना अमित मेहना की टीम में फराना के अलावा एक पॉइंट खाता खुल गया भाई। अभिषेक सनी जाडल, अरे भैया यूट्यूबर भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे टूर्नामेंट का कवर करने आए भैया। सब लोग हाथ में दो ले लो, ऐसे कैसे कर रहे हो। राकेश कुमार जी है गाजियाबाद वाले, उनका कमेटी विशेष रूप से आभार व्यक्त करती है क्योंकि ये शुरू से ही नंबर ले गए भाई। 3 अंकों पर पहुंचे भाई ब्रजेश फराना। अब तक उनके सामने किसी टीम का डिफेंस चला नहीं है कर लिया भाई। इसी के साथ अंकों की संख्या बढ़ती हुई 4 अंकों पर सनी जाडल, 4 पॉइंट पर पहुंची है सनी जाडल की टीम जबकि मैना अभी 1 अंकों पर है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला भाई दोस्तों, ये मुकाबला बहुत ही घातक होने वाला है, कहां रुकेगा कोई नहीं जानता क्योंकि मुकाबला दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त है। नंबर ले गए भाई झंडी फाड़ने पर 1,800 रुपए का इनाम। भाई 2 अंक पर पहुंची अभिषेक मेहना, 3 अंकों की बढ़त है भाई। बहुत ही बढ़िया फाइनल मुकाबला, फाइनल होता फाइनल यहाँ पर तीसरे को अद्भुत नागा बाबा कबड्डी टूर्नामेंट के ऐतिहासिक मैदान पर होता हुआ। पिछले वर्ष प्रथम विजेता रही थी अभिषेक की टीम, इस बार उन पर अपने खिताब को बचाए रखने का भी दबाव होगा। और खिलाड़ी भी आया फिर मैंने रेफरियों को देख रहे हैं और बहुत शानदार। बात की जाए तो दोस्तों मैना 3 और सनी 5 अंकों पर, 2 अंकों का डिफरेंस है भाई, 2 अंक है अभी लीड में सनी जाडल। शानदार मुकाबला, अरे भैया थोड़ी देर और व्यवस्था बनाए रखो। आकाश सनी का कोई जवाब नहीं, देखते हैं मेरे बेटे हेरा पैसा। और बहुत ही सुंदर है बैट्समैन जाडल की टीम का स्कोर है 6 और 4
मैना 4 6 जाड़ा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है दोस्तों, बहुत ही फाइनल है भाई, फाइनल रनहेरा टूर्नामेंट है भाई। फर्स्ट प्राइस 61,000 रुपये है और 41 है सेकेंड। बहुत ही जबरदस्त ये नंबर की जर्सी में सनी जा रहा है और कर लिए भाई है, यहाँ पर 5 है उनको हो गए भाई। पिछले कई मुकाबले से नहीं देख पाए थे उसको, संभव यहाँ पर कर दिया है अमित मैना के खिलाड़ियों ने। मल ले गए भाई, स्कोर हुआ बराबर, स्कोर बराबर, दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर है भाई, 6-6 पॉइंट है भाई। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला भाई, सनी जाड़ो लगातार अंक निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए, उधर से ब्रजेश फराना लगातार अंक निकाल रहे हैं भाई, दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त हैं। यहाँ पर डिफेंस जिसका बेहतर सिक्का उसका बेहतर, और यहाँ पर सर चढ़कर बोल रहा है डिफेंस अमित मैना का, सर चढ़कर अनुभव की कमी नहीं है इनके पास। और यहाँ पर ब्रजेश, यहाँ पर एक अंक की लीड आ गई है उस मैना के पास, ब्रजेश फराना कंटिन्यू करेंगे इस लीड को, कंटिन्यू कर दिया भाई ब्रजेश फराना, कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर सनी जाड़ा अकेले पड़ गए भाई, कंटिन्यू दो अंकों की लीड प्राप्त कर लिया भाई। अब अभिषेक मैना की टीम ने, और अभिषेक मैना का डिफेंस सर चढ़ के बात कर रहा है आज तो भाई, कमाल कर दिया भाई, जबरदस्त। जो छठी है चीटू भाई है, इसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस, रानी की टीम के साथ इन्होंने बहुत सारे मैच खेले हैं छठी टीम ने, उस एक्सपीरियंस का बहुत ही कमाल कर रहे हैं, उस कमाल को निखार रहे हैं दोस्तों। और रेफरी ने उनके इस करार को भी सहमति जताई, मैं बता दूं यहां पर एक पॉइंट की लीड, बहुत जबरदस्त है लीड, गजब की फुर्ती है भैया। हम भगवान आज 9 अंकों पर 7 अंकों पर सनी, 2 अंकों की पारी बढ़त है भाई, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला भाई, जबरदस्त मुकाबले के साथ ही आगे बढ़ती हुई मैना सनी जाड़ौल अपनी रेड को कंटिन्यू कर रहे हैं और निकालने का कर रहे हैं पॉइंट का काम, पॉइंट नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ पर सर चढ़ के बात कर रहा है भैया, तो डिफेंस सर चढ़कर बात कर रहा है, तीसरी बार ट्रिपल हैंडिंग कर लिया भाई, जीतू भाई का कमाल कर दिया भाई, यहाँ पर 3 अंकों की भारी, जबरदस्त। और यहाँ पर ब्रजेश फराना एक बार फिर अपनी टीम के लिए लगातार अंक अर्जित कर रहे हैं भैया, और यहाँ पर ये रुकने का नाम नहीं लेंगे भाई, इनको रोकना असंभव है दोस्तों। मैं बता दूं 4 अंकों की लीड में आ चुकी है अमित मैना की टीम, जबकि 7 अंकों पर अभी भी सनी जाड़ौल हैं, कहीं ना कहीं रेड में कुछ तकनीकी कमी आने के कारण अंक निकालने में नाकाम हो रहे हैं, या यूं कहिए कि अभिषेक मैना का डिफेंस जो है बहुत ही कमाल का काम कर रहा है, सर चढ़कर बात कर रहा है आज, मैंने पूरे मैच कवर किए इतना अच्छा डिफेंस मुझे शायद किसी टीम का नहीं लगा, ये डिफेंस पास ही अपनी टीम को एक सुनिश्चित जीत के लिए उत्साह वर्धक है भाई, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब। और ब्रजेश फराना भाई पन मैन आरबी, इनके लिए एक ही शब्द है पन मैन आरबी, सनी जाड़ौल एक बार फिर अपनी टीम के लिए अंक ला रहे हैं लगातार भाई, एक बार नंबर लाने की कोशिश करते हो, बहुत ही जबरदस्त है भाई, ब्रजेश
ग्यारह अंकों पर है भैया मैना, सात अंकों पर है सनी, चार अंकों की भारी लीड है भाई। अब सिख मैना का पॉट खाली, सनी डॉल चले एक बार फिर। क्लियर पॉइंट हो तो किया वो सफल हुए और एक बार से ब्रजेश स्कोर की बात की जाए तो 12 अंकों पर है मैना और 8 अंकों पर है जाडोल, 4 अंकों का अभी भी मार्जिन है। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर इस तरह से गेम चलता रहा कि इधर से ब्रजेश फराना नंबर लेके आ रहे हैं, उधर से सनी जाडोल, चार सी बात है ये यहाँ पर अब से खेला जीत जाएंगे, क्योंकि चार अंकों के लिए उसके बाद मौजूद है और रेड से रेड हटेंगी तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर डिफेंस कुछ करना चाहिए, नंबर लेके भाई इसी के साथ और बढ़ता तेरह अंक हो चुके हैं दोस्तों। मैना 13, 9 अंकों पर है जाडोल, लगभग 4 अंकों की लीड है भाई। नंबर ले गए दोस्तों, 9 अंकों पर पहुंची है जाडोल। कई लोग राशि दे चुके हैं, नंबर ले गए भैया, बहुत अच्छी पकड़ थी लेकिन नाकाम रही कोशिश और फराना ले गए फर से नंबर। और अंक ले गए फर, फराना भाई जवान ने 14 अंकों पे भाई, 14 अंक हो गए भाई, 14 और 10 वही 4 अंकों का डिफरेंस है भाई। यहां से मुकाबला कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते भाई, फाइनल मुकाबला है भाई ये, सनी जाडोल और अभिषेक के बीच में है फाइनल मुकाबला। नंबर ले गए दोस्त, इसी के साथ अंक और बढ़ते हुए सनी 11 अंकों पर आ चुके हैं, 14 अंकों पर ब्रजेश शानदार मुकाबला, अभिषेक मैना की इंटरवल से सोहनी का खेल प्रगति पर है। किस पर कृपा होगी आज नागा बाबा की, क्या अपने खिताब को बचा पाएगी अभिषेक मैना? नंबर ले गए भाई, इसी के साथ अंकों की बढ़ोतरी 15 अंकों पर है भैया अभिषेक मैना। दोस्तों फर्स्ट हाफ में अभिषेक मैना 15 और 11 अंकों पर है सनी जाडोल, यानी 4 अंकों का मार्जिन है अभिषेक मैना के पास। और मिलते हैं हम दूसरे भाग के पास, तब तक के लिए धन्यवाद।